आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चंपावत में कोविड वैक्सीन खत्म होने से दिक्कतें, वैक्सीन सेंटर से बेरंग लौटे ग्रामीण। घर से बारात निकली और चोरों ने उड़ा दिए गहने, कमरे का नजारा देख उड़े परिवार के सदस्यों के होश। उत्तराखंड शासन में 3 अधिकारियों के हुए तबादले। मसूरी भारत स्टेट बैंक में कर्मचारी को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बैंक एक दिन के लिए बंद। उत्तरकाशी जिले के सीरी उदरी गांव के रहने वाले टीकाराम के 3 वर्षीय बेटा कुश छत से गिरने से घायल हो गया था, जिसके बाद उसका इलाज देहरादून के एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन पैसों की कमी के चलते उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी उमेश कुमार इस बच्चे की जिम्मेदारी लेते हुए इसका इलाज सीएमआई में करवाने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि इस बेटे के इलाज की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उमेश कुमार इससे पहले भी लगातार लोगों की मदद करते आए हैं। पहाड़ टीवी ने जैसे ही ये दिखाया तो वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार जी ने फैसला लिया है कि बच्चे को सीएमआई ले जाया जाएगा और जितना खर्चा होगा वो उमेश कुमार जी करेंगे और अभी तुरंत सीएमआई अस्पताल में आपका बच्चे का चलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। देश में लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर किसान मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपाल सिंह चौधरी ने देहरादून में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश के सभी किसान वरिष्ठ किसान नेता अब उत्तराखंड की भूमि पर आकर बद्रीनाथ धाम में एक महायज्ञ करने जा रहे हैं। उस महायज्ञ को करने का उद्देश्य देश में फैल रहे कोरोना वायरस और जो 363 किसान शहीद हुए उनकी आत्मा शांति के लिए ये महायज्ञ किया जा रहा है। इस महायज्ञ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया जा रहा है और वहीं पर ये यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य ये होगा कि जो किसान शहीद हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए एक रथ यात्रा निकालकर पूरे देश में श्रद्धांजलि उन शहीदों को दी जाए। ऑल वेदर रोड के तहत बनाई गई रोडों में अभी से रफ्तार का खौफ दिखने लगा है। बुधवार को देर रात्रि को तेज रफ्तार ट्रक ने गांधीनगर कर्णप्रयाग के पास एक कुत्ते के पैरों पर गाड़ी का पहिया चढ़ा दिया और फरार हो गया, जिससे कि कुत्ते का एक पैर टूट गया और अन्य जगह चोटें आई हैं। स्थानीय युवा प्रथम कुमार द्वारा पशुपालन के अधिकारियों को फोन कर घटना की जानकारी दी गई, जिस पर कर्णप्रयाग के पशुपालन के पशुधन प्रसार अधिकारी मनीष रावत और किशोर कुमार ने तुरंत मौके पर आकर घायल कुत्ते की पट्टी कर उसका इलाज किया। उत्तराखंड के आईजी पूरन सिंह रावत आईपीएस अफसर होने के साथ साथ जैविक खेती करने में रुचि रखते हैं और पिछले 4 सालों से अपने गुलरबोज स्थित खेत में वेस्ट डीकम्पोस्ट से तैयार तरल जैविक खाद की धान और गेहूं की खेती कर रही हैं, लेकिन इस बार 4 वैरायटी के गेहूं की खेती के साथ साथ काले गेहूं की खेती भी की है, जिसका मार्केट रेट लगभग 100 रुपए प्रति किलो है और काले गेहूं के सेवन करने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। मैं ऑर्गेनिक गेहूं की अभी मैंने फसल की है और पिछले 4 साल से मैं ऑर्गेनिक फसल यहाँ पर लगा रहा हूँ और मेनली मैं धान और गेहूं की क्रॉप करता हूँ। मैंने इस बार पहली बार यहाँ इस एरिया में काला गेहूं लगाया, इसमें ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए, आपका कोलेस्ट्रॉल के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है और इसमें लगभग 144 ppm एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी एज को लंबी करता है और बीमारियों को कम करने में मददगार होता है। दून के प्रेमनगर में घर से बारात निकलते ही चोरों ने नकदी और जेवर उड़ा दिए। देर रात जब परिवार का एक सदस्य घर लौटा तो कमरे का नजारा देख उसके होश उड़ गए। प्रेमनगर क्षेत्र में 2 दिन में दूसरी चोरी से पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मंगलवार शाम को प्रेमनगर के शिवाली कॉलोनी स्थित एक घर से बारात चंद्रमणि चोइला के लिए रवाना हुई। पीड़ित ललित प्रसाद बड़ोनी ने बताया कि उनके भतीजे की शादी थी और वे सभी बारात में शाम करीब 7 बजे चले गए थे। देर रात करीब 11 बजे जब लौटे तो देखा कि घर के भीतर सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, अलमारी के कपड़े बिखरे पड़े हैं और जेवर गायब है। अखिल भारतीय निर्वाणी आणि के 65 वर्षीय कोरोना संक्रमित महामंडलेश्वर की देहरादून के एक निजी अस्पताल में मौत होने से हड़कंप मच गया। महामंडलेश्वर चित्रकूट के रहने वाले थे और हरिद्वार कुंभ में आए थे। उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। गुरुवार को देहरादून के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। नगर पंचायत नंदरप्रयाग में गौ सदन का शुभारंभ महंत ऐश्वर्यनाथ महाराज ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। नगर पंचायत अध्यक्ष हिमानी वैष्णव की पहल पर गौ सदन स्थापित किया गया है, जिसका संचालन जयकृत मंडराल द्वारा किया जाएगा। कर्णप्रयाग उमा महेश्वर आश्रम के महंत ऐश्वर्यनाथ महाराज ने इस मौके पर कहा कि सनातन धर्म में गाय को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है, लेकिन लोग अब गाय को आवारा छोड़ रहे हैं, जिससे कि आए दिन वाहनों की टक्कर से गौ माता घायल हो रही है। इस नेक कार्य के लिए उन्होंने हिमानी वैष्णव का आभार भी व्यक्त किया है।
उत्तराखंड शासन में 3 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आईपीएस अमित कुमार सिन्हा को प्रबंध निदेशक हिल्ट्रॉन से हटाकर निदेशक आईटीडीए का साझेदार दिया गया है। वित्तीय सेवा के अधिकारी अरुणेंद्र सिंह चौहान से अपर सचिव वित्त का भागीदारी हटाकर प्रबंधक निदेशक हिल्ट्रॉन और निदेशक आईटीडीए के भागीदारों को दिया गया है। साथ ही गंगा प्रसाद को अपर सचिव वित्त विभाग का प्रभार सौंप दिया गया है। मसूरी के माल रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में कार्यरत एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बैंक को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मसूरी में लगातार कोरोना संक्रमण लगातार पैर पसारा है। गुरुवार तक मसूरी में 45 अधिक कोरोना संक्रमण की जद में आ गई है। भारतीय स्टेट बैंक में एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद नगर पालिका प्रशासन द्वारा बैंक क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। समाज कल्याण विभाग रुद्रप्रयाग की लापरवाही के चलते गरीब छात्रों के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजना है बेखौफ उम्मीद का रंग। ये है मेरा उत्तराखंड।